दोस्तों रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था 4A प्रो के बारे में, 4A 32 इंच वाली जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी, इसका मैंने वीडियो बनाया और उस वीडियो में ज्यादा करके मोस्ट ऑफ कमेंट्स आए थे कि 4A लेना चाहिए या 4A प्रो। तो इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करूंगा, इस वीडियो में दोनों टीवी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कौन सी अच्छी है और आपके लिए कौन सा परफेक्ट होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं हैप्पी गाइड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों दोनों ही टीवी को कंपेयर करने के पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें सिमिलैरिटीज क्या है जो दोनों ही टीवियों में है। तो सबसे पहले है इसमें कि 3 HDMI पोर्ट मिल जाते हैं, 2 USB पोर्ट, इसी के साथ साथ 3.5mm का जैक दोनों ही टीवी में आपको देखने मिल जाएगा और 60Hz का रिफ्रेश रेट है इस टीवी में, दोनों ही टीवी में। और इसके अलावा मैं बात करूं 20W का स्पीकर दोनों ही टीवी में देखने मिल जाता है। वेट की बात करूं तो दोनों ही टीवी के वेट भी सिमिलर है और दोनों ही टीवी में आपको टेबल टॉप मिल जाते हैं स्टैंड करने के लिए। इसी के साथ साथ 1GB का रैम मिलता है और 8GB की इंटरनल स्टोरेज इस टीवी में आपको देखने मिल जाएगी। प्रोसेसर की बात करूं तो 64 बिट का क्वाड कोर प्रोसेसर इसमें यूज किया हुआ है। दोस्तों ये कुछ बातें हो गई सिमिलरिटीज के बारे में कि ये टीवी में सिमिलर क्या क्या है। अब बात कर लेते हैं कि दोनों ही टीवी में डिफरेंसेस क्या है। तो पहला डिफरेंस है, सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा प्राइस से लेके। तो MI 4A प्रो का प्राइस है 13,000 रुपए और हालांकि MI 4A का प्राइस जो है 12,500 रुपए है। तो 500 रुपए का डिफरेंस है दोनों ही टीवी में। MI 4A प्रो में आपको मिलता है लेटेस्ट एंड्रॉइड विथ पैच वॉल। तो इसमें आपको 2 एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इस टीवी में देखने मिल जाएंगे। और दूसरी तरफ मैं बात करूं MI 4A के बारे में तो आपको इसमें सिर्फ एक एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है और वो भी लेटेस्ट नहीं है। दूसरी बात, इस टीवी में आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलता है। 4A प्रो में आपको ब्लूटूथ रिमोट मिलेगा और 4A में आपको ब्लूटूथ रिमोट नहीं मिलने वाला। और ब्लूटूथ रिमोट का फायदा ये है कि आप कहीं पे भी रूम में हो, पॉइंट करने की जरूरत नहीं है आपको, टीवी पे आप कहीं से भी उसको चेंज कर सकते हो, आपका चैनल या जहां पे भी आपको नेविगेट करना है टीवी में। 4A में आपको एक RF रिमोट मिलता है। इसी के साथ साथ आपको जो इसका रिमोट है वो वॉइस एनेबल्ड है 4A प्रो में। और दूसरी तरफ मैं बात करूं 4A की, 4A में आपको कोई भी ऐसा रिमोट नहीं मिलता जो वॉइस एनेबल्ड हो। 4A प्रो में आपको बिल्ट इन क्रोमकास्ट मिलने वाला है और यूट्यूब के ऑफिशियल ऐप के साथ। 4A में हालांकि आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला। और जैसा कि मैंने कहा कि इसमें एंड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन है और पैच वॉल भी है, तो पैच वॉल के थ्रू आपको 7 लाख से भी ज्यादा कंटेंट देखने मिल जाएंगे। 7 लाख घंटे से भी ज्यादा कंटेंट आपको 4A प्रो में देखने मिल जाएगा। और दूसरी तरफ मैं बात करूं 4A में, तो 4A में ऐसा कुछ भी नहीं है। और एप्स की बात करूं तो इसमें काफी एप इंस्टॉल्ड नहीं है 4A में। और दूसरी तरफ 4A की बात करूं 4A प्रो की, तो 4A प्रो में आपको काफी एप मिल जाएंगे इस टीवी में बिल्ट इन। अब बात कर लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो था टीवी में, उसका डिस्प्ले। तो MI 4A प्रो में अल्ट्रा ब्राइट LED है। और दूसरी तरफ मैं बात करूं 4A में, तो 4A में आपको नॉर्मल सा एक HD रेडी डिस्प्ले मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से इसमें डिस्प्ले काफी अच्छा है 4A प्रो में, और जिसके वजह से कलर आपको काफी विविड देखेंगे, अच्छा व्यूइंग एक्सपीरियंस होगा, व्यूइंग एंगल्स भी काफी अच्छे देखने मिल जाएंगे 4A प्रो में। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 4A प्रो 32 इंच वाली बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू 4A, क्योंकि 500 रुपए देने के बाद आपको ब्लूटूथ रिमोट मिल रहा है, क्रोमकास्ट बिल्ट इन मिल रहा है, उसके साथ ही साथ आपको एडवांस लेटेस्ट एंड्रॉइड का वर्जन मिल रहा है विथ पैच वॉल। तो एक ये बहुत अच्छा पैकेज होगा। तो मेरे हिसाब से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 4A प्रो ही ले अगर आपका टीवी लेने का प्लान है। काफी लोग ने मुझे कमेंट किया कि सर मुझे लेना है टीवी, आप प्लीज बताइए डिफरेंसेस क्या है। तो इस वीडियो को बनाने का मेन रीजन यही था कि आपको कौन सी टीवी लेनी चाहिए और आपको क्या क्या फायदा मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 500 रुपया देने पर। सभी ने देखा कि क्या क्या डिफरेंस है 4A और 4A प्रो में, और आपने अपना डिसीजन भी बना चुके रहोगे। फिर भी अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प हो रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और एक और बात मैं कहना चाहूंगा, अगर आप ये टीवी ऑनलाइन खरीदते हो या MI के स्टोर से खरीद रहे हो, तो जब आपका पैकेज डिलीवर होता है, ये जब टीवी डिलीवर होती है, तो खुद से ओपन ना करें, क्योंकि अगर आपने खुद से ओपन किया तो आपकी जो वारंटी है वॉइड हो जाएगी, मतलब जो वारंटी है आपको नहीं मिलेगी, ऐसा MI की पॉलिसी का कहना है। और अगर आप एक स्मार्ट टीवी ले रहे तो आप
जरूर ध्यान रखें कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट स्पीड हो, नहीं तो आपका स्मार्ट टीवी लेके मतलब नहीं है, क्योंकि एक स्मार्ट टीवी के लिए एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। और एक बात कहना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मेरा मन कह रहा है कहने के लिए कि इस टीवी में आपको रिमोट में सेल नहीं मिलेंगे, तो आपको 2AAA सेल आपको खुद के जेब से खरीदने पड़ेंगे, तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, जो लोग नए हैं हमारे हैप्पी गाइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लीजिए, और इसके लिए आपको 1 भी रुपए नहीं देने। और आपके लिए मैं इन्फॉर्मेटिव और एकदम लेटेस्ट वीडियो इस चैनल पे लेके आते रहता हूं, और इसी के साथ साथ बेल आइकन भी दबाए टन टन टन, और मैं आपको मिलता हूं अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग हैप्पी गाइड। बाय बाय।